हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की क्या महिमा है, आइए ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी इस मृत्युलोक में आए और जगन्नाथपुरी पहुंचे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। देखा कि मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो भगवान के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन भगवान का भोग लगा प्रसाद मिल जाए, क्योंकि आपको तो पता है वहाँ टनों में भगवान को भोग लगता है, पता नहीं कितने चावल के बोरे रोज भगवान को भोग लगते हैं। जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है, चार धाम में एक धाम है जहाँ भगवान को दिन भर भोग लगता रहता है। बड़ी महिमा है जगन्नाथपुरी धाम की, और जिनको चार धाम करने हैं ना तो उनको जगन्नाथपुरी तो जाना ही पड़ेगा, कलयुग का धाम है। तो ब्रह्मा जी आए हैं, सोचा भोग लगा प्रसाद मिले, लेकिन उस वक्त प्रसाद भी खत्म हो चुका था, यानी विराम हो चुका था। वहां पर जूठी पत्तलें पड़ी थी, जो लोगों ने दिन भर प्रसाद खाया था तो जूठी पत्तलें फेंक के चले गए। तब ब्रह्मा जी के मन में आया कि मुझे तो भगवान का प्रसाद खाना है और ये जूठी पत्तलें हैं, पर इनमें अभी भी कुछ दाने चावल के लगे हुए हैं, भोग के लगे हुए हैं, क्यों ना मैं भोग खा लूं। चलो इंसानों का झूठा सही, कम से कम भगवान जगन्नाथ का तो भोग है ही। ऐसे में ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो एक कुत्ता आया और उन पत्तलों को चाटने लगा। तब भी ब्रह्मा जी के मन में आया ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इसको ठुकराना नहीं चाहिए। अब देखो उसको ब्रह्मा जी ने खाया, कैसा प्रसाद, जो प्रसाद पहले तो भगवान को भोग लगा, फिर उसको किसी इंसान ने खाया और झूठा बचाया, जो पत्तल में दाने बच जाते हैं, फिर उसको किसी कुत्ते ने चाटा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने खाया और कहा प्रभु मैं धन्य हो गया जो मुझे आपका भोग लगा प्रसाद मिला। अरे इतनी भगवान जगन्नाथपुरी में इतनी भगवान के महाप्रसाद की महिमा है। लेकिन एक बात, कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एकादशी अगर आप व्रत करोगे तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद कौन खाएगा, वो बच जाएगा जो रोज भगवान को भोग लगता है ना, वो तो बच जाएगा। पर जो वैष्णव है जगन्नाथपुरी में अगर कोई एकादशी न करे तो चल जाएगा, पर वैष्णव आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत करते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को किसी भक्त ने एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का भोग लाके दिया था, महाप्रभु ने वो भोग रख दिया क्योंकि उस दिन एकादशी थी, और दूसरे दिन ग्रहण किया। प्रसाद का निरादर नहीं करना है, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, पर एकादशी आप करिए, जगन्नाथपुरी में भी हैं तो करिए। जैसे कई लोगों की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी ना करें तो चलेगा, पर वैष्णव करते हैं। इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की, इतनी महिमा। मैं जगन्नाथपुरी जब गया, अभी हम जून जुलाई में गए थे, आप विश्वास कीजिए एक दिन की रखी हुई खिचड़ी हमको मिली, पर क्या स्वाद था, क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ था। आज भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार करते हैं, मस्त स्वाद होता है। कभी जाइए और जगन्नाथपुरी में भगवान का भोग लगा प्रसाद खाइए। और इन दिनों डेली सुबह 4:30 से 5:30, शाम को 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हरी कथा सुनिए और जप कीजिए। और 20 नवंबर एकादशी है, ये ध्यान में रखना, और एकादशी का व्रत जरूर करना, सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना। मेरे साथ नए लोग कथा में जुड़ सकते हैं 9284826810, इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजें, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ें, मैं डेली कथा भेजूँगा और ये कथा आगे फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए मेरे ठाकुर जी का भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।